सत्क्रिया बाबा जी नमः। ओम सिद्धक्रिया बाबा जी नमः। बाबा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने द्वाराहाट में आश्रम निर्माण कैसे किया है, इसका प्रेरणा कैसे मिली? यस, ये भी एक मिराकल है। हर एक चीज मिराकल, क्योंकि मैं कुछ भी सोच के नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है मेरे द्वारा, हर एक काम अपने आप हो रहा है। इसके पीछे मेरा गंगा का आशीर्वाद, गंगा माई का आशीर्वाद। ऋषिकेश में मैं हर साल जाके रहता था। त्रिवेणी घाट में आंध्र निर्वाण आश्रम मेरा बेसिक पॉइंट है मेरा जीवन में। हिमालय में रहना, हिमालय का वो शक्ति मुझे अनुभव में लेना है, तो वहाँ से शुरू हुआ है। वहाँ मुझे मैदानंदपुरी स्वामी जी का आशीर्वाद से वहाँ रहने का मुझे मौका मिला। सो वो आश्रम में रह के बाजू में गंगा, रोज़ गंगा स्नान करना, वहाँ ध्यान करना, वो गंगा माई के साथ बात करते रहना, ऐसे भाव भाव, और मेरा साईं बाबा को वहाँ याद करते रहा। वहाँ एक ही मंदिर था उस समय, वो वहाँ जाके कभी कभी जाके आना। कभी मैं, मेरा जीवन में 4-5 साल, कुछ 8 साल मैक्सिमम साईं मंदिर जाने का कुछ हुआ था। बाद में साईं मंदिर को भी जाने का बंद हो गया, अपने आप बंद हो गया। शिरडी जाना आना, शिरडी जाना आना। सो इसलिए मंदिर का ये भी मुझे अपने आप चले गए। सो कहीं भी रहने दो, अगर मेरा दिल में एक अच्छा भाव आए तो साईं बाबा आ जाता है। साईं वहाँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ साईं। ऐसा गंगा किनारे के पे, किनारे पे रह के थोड़ा सा भाव, थोड़ा विचार या कुछ बढ़ाना शुरू किए तो साईं का, साईं धीरे धीरे साईं का तत्व, तो साईं का भाव, साईं का कुछ बातों को याद करके रहते रहते धीरे धीरे प्रकृति में, नेचर में चले जाता है। वो गंगा भी, गंगा मेरा साईं हो जाता है। वहाँ कोई गंगा में जा रहे बोले तो वो लोग मेरा साईं बाबा का जैसा कुछ, तो वो लोग आज ये दिखाया साईं बाबा, वो दिखाया, ऐसा मुझे हो गया। वो ऋषिकेश में ऐसा मैं जीते जीते एक दिन वहाँ मैं ऊपर का कमरे में रहता था, 15 नंबर का कमरा है। ऊपर कमरे में मेरे कभी भी मैं गए तो मैनेजर साहब अच्छा उधर उसको ये करके मुझे देता था, तो उधर ही रह जाइए, आपका कमरा, आपका कमरा बोल के बहुत अच्छा। मुझे वो खिड़की से देखे तो दूर में गंगा दिखता और मेरा नीचे का ये लोग दिखता। वहाँ दो पेड़ों का संगम है, बेल का पेड़ है और रुद्राक्ष का पेड़, त्रिमुखी रुद्राक्ष का पेड़। वो दोनों का, वो दोनों को देखते देखते मैं रात में भी खिड़की खोल के ऐसे बैठ के आराम से देखते देखते मेरा ध्यान ऐसा है, कीपिंग ओपन आई, एवरीथिंग ओपन। मेरा ध्यान कभी बंद करके ध्यान करना बहुत कम समय में होता है। ज़्यादातर मैं ऐसे ही देखते रहता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ सामने का पूरा, एक ऐसा भाव, ऐसे अनुभव ऐसे मिलते रहता है। ऐसा मैं वो दोनों को देखते देखते रहे तो एक समय में वो साईं बाबा का मैं नीचे बैठ के दिखाया मुझे, वो दोनों के पेड़ के नीचे एक कोने में साईं बाबा को देखा। सरप्राइज हो गया, स्टन हो गया, साईं बाबा ऐसे कैसे यहाँ बैठ गए? अभी देखे तो दो, मैं मैक्सिमम 20-30 सेकंड्स, बाद में कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा हिम देर। सो वो मेरे दिल में ऐसा बैठ गए, इतना आनंद मुझे, इतना आनंद। इमीडिएट वो 10 मिनट के बाद इमीडिएट नीचे जाके मैनेजर को बताया, और राजू बोल के, राजू सर वो उन्होंने रहता था, उनको बोला मैं साईं बाबा का दर्शन हुआ हुई नीचे इसी जगह में बोल के दिखाया। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा, आप साईं का तो बहुत लोग मुझ में साईं देखते, वो लोग बोलते आपको देखे तो साईं जैसे दिख रहे, ऐसा बोलते थे। आप पूरा धारण करके रहे लेकिन आपका, आपको दिखाया बोले तो आपका अनुभव है, लेकिन आपको देखते रहता हर एक जगह में, आपको साईं दिखता है, ऐसे बोला। नहीं 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 आज मैं बराबर देखा फिजिकल फॉर्म में, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा है बोला। बाद में मुझे एक दो दिन के बाद बोला यहाँ हम मंदिर बनाएंगे, दोनों को बीच में छोटा मंदिर बना के एक मूर्ति बिठाएंगे, यहाँ का लोगों के लिए साईं बाबा का मंदिर ये हो जाता है बोल के। नहीं 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 यहाँ होने वाला नहीं है, मुश्किल है बोला।
मुश्किल नहीं, नहीं हो जाएगा बाबा जी, दिखा भरे तो होता है, आप कोशिश कीजिए, कमेटी वालों से बात कीजिए। उन्होंने किया, लेकिन वो लोग नहीं माना, नहीं माने तो उन्होंने बोला मुश्किल हो रहे, बोल के ठीक है मैं भी थोड़ा सा, लेकिन ऐसे 2-3 महीने के बाद उन्होंने बोला, वो लोग हाँ कर दिया, तो बहुत अच्छा है। हम शुरू करके वो अभी मंदिर को बनाया, वहाँ साईं बाबा को मूर्ति में प्रतिष्ठा किया। लोकल का कितने लोग आश्रम वाले आए, बहुत अच्छा, दयानंद आश्रम, कैलाश आश्रम, सभी लोग, संत लोग आया, बहुत अच्छा लगा वो सिचुएशन, वो उत्सव। सो वो होने के बाद मैं, मुझे कितना अच्छा लगा, उसी रात में टर्निंग क्या है बोले तो, मेरा ध्यान, वहाँ ध्यान कर रहा हूँ रात में, आनंद, सभी लोग चले गए, मैं अकेला बैठ के आनंद में, ऐसे मैं एक बार दिखाया एक दिन में, देखने के बाद एक संकल्प आया, अभी आज संकल्प पूरी हो गई, मंदिर बन गए, साईं बाबा आप बैठ गए दोनों को बीच में, वो ऋषिकेश में वो दोनों का वृक्ष, आज भी वो दो वृक्षों को देखने के लिए बहुत लोग जाते टूरिस्ट वाले, तो वो दोनों को वृक्षों के बीच में साईं बाबा को बिठाया, आनंद में ध्यान करते करते आंखों में पानी आ रहे, बहुत अच्छा महसूस किए, तो मेरे कानों में बराबर मैं सुना हूँ, और एक 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 रूप दिख रहे हैं ऐसे, मुझे झलक जैसा हो गया, झलक जैसा। और दो जगह बनाने का तुम, और हिमालय में जाना वहाँ तुम रहने का, एक आश्रम बनाने का तुम, ऐसा ऐसा वो सेंटेंसेस मुझे, वाक्य सुनने को मिले तो मुझे झलक जैसा आ गया। इमीडिएट मैं 10-15 मिनट ऐसे महसूस किया, यस इट इज़ ट्रू, कुछ तो कोई बताया, उनका रूप भी अलग दिखा मुझे, अलग दिखा। वो देखने के बाद मुझे, मैं एक दो सीनियर सिटीजन मेरे पास, मेरे साथ में आए, एक कामेश्वर राव बोल के, लक्ष्मी नारायण बोल के, वो दोनों मुझे बहुत मदद करते, बहुत सीनियर्स हैं वो, लेकिन मुझे इतना मानते हैं, गुरु का जैसा मानता था उस समय वो लोग। उनको बोला मैं, ऐसे ही मुझे एक महात्मा दिखा है मुझे, उन्होंने मुझे बोला, और आगे जाके वहाँ गुफा है, गुफा के पास आश्रम बनाना, वहाँ तुम रहने का बोला। बोले तो मैं कौन है, बोले तो एक बोला, और कौन होता है, साईं बाबा आके उनको बताया, मैं बोला साईं बाबा नहीं, वो दूसरा अलग आदमी है। सो उस रात में ऐसा मुझे अनुभव मिला, लेकिन आई कैनॉट कन्फर्म हु इज ही। लेकिन नेक्स्ट डे हम गणपत सच्चानंद आश्रम जाके आते समय एक लड़का मुझे वो मिला, उन्होंने दिखाया मेरे पास, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ये फोटो मेरे पास है, ये देखो। वो देखे तो वही महात्मा मुझे कल रात में, पिछले दिन रात में मुझे दर्शन दिया, ये कौन है, यही मुझे मिट दिखा है, ये दिखा बोल के बोले तो, उन्होंने बोला महावतार बाबा जी बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ रहते? रानीखेत के पास रहता है, उनका गुफा है रानीखेत के पास, उतना तक उन्होंने बताया। वो लिंक पकड़ के हम उधर गए, सो वहाँ ढूंढते ढूंढते दिन रहा, कुछ भी नहीं हुआ। वापसी में 3 दिन के बाद वापस में हम पोर्ट पैक करके आते समय कुछ लोग मिला लोकल का, वो लोग अपना घर लेके गए वो द्वाराट में, गांव से बाहर। वहाँ वो बोला, मेरा इच्छा वही है साईं बाबा का मंदिर बनाने का बोल के, एक मुझे प्रेरणा मिला है मेडिटेशन में, ध्यान में। बोले तो वो लोग बोले, यहाँ ज़मीन है, देख लीजिए आप, ले लीजिए आप, जहाँ चाहिए वहाँ बनाइए, हम देने को तैयार में हैं। दैट इज़ द टर्निंग फॉर मी टू रीच द्वाराट एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग आश्रम एंड साईं और बाबा जी का मंदिर बनाने का। वाह, क्या अनुभव है। कहीं भी कुछ भी निर्माण हुआ, वो भी 25 किलोमीटर के दूर में, महावतार बाबा जी का केव्स के 25 किलोमीटर के दूर में, द्वाराहाट में ये मंदिर का निर्माण होना, ये सिर्फ दिव्य संकल्प की वजह से ही हुआ है। शिरडी साई बाबा का आशीर्वाद की वजह से, महावतार बाबा जी का आशीर्वाद की वजह से द्वाराहाट में आश्रम बन गया है। वो भी वेदानंद बाबा जी के द्वारा ये आश्रम का निर्माण होना, ये रियली एक डिविनिटी है, ये नहीं तो नहीं हो सकते हैं। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड ब्लेसिंग्स लाइक कमेंट।